देश की ताकत
भरता पेट किसान सभी का अन्नदाता कहलाता है। अपने खून पसीने से धरती में अन्न उगाता है। पैदा सारी चीज कर खुद रूखा सूखा खाता है। कभी कभी तो बेचारा ये तो भूखा ही सो जाता है। कभी सूखा देख फौजी वीर तान कैसी ना सीमा ऊपर खड़ा रहे। सर के ऊपर कफन बांध के शेर की दरिया अड़ा रहे। ऊपर तक गोले बरसे देखो जी सन पड़ा रहे। दुश्मन आग है रणभूमि में टैंक के ऊपर चढ़ा रहे। विजय श्री यही पाते हैं। विजय श्री श्री जयवीर भाटी गुरुदेव मेरे गुरु के हित चरण में अपनी मर्जी का ढूंढ सकती हूं। तो सावित्री सगी सहेलियों को ले जाकर के पूरी दुनिया में घूम ली, लेकिन उसके योग्य कोई वर नहीं मिला। जैसे ही शाम को घर के लिए वापसी जा रही थी सावित्री, तो रास्ते में एक बनखट में एक हट्टा कट्टा नौजवान जो कि पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा है। सावित्री की उस नौजवान पर नजर गई। मन ही मन में सोचने लगी कि मुझे शादी करनी है तो इस नौजवान के साथ करनी है। आपस में परिचय हुआ। वह सत्यवान कहने लगा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं? तो सावित्री कहने लगी कि अशुपति जो राजा है उनकी मैं बेटी हूं। सावित्री मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। वो निर्धन गरीब लकड़हारा सत्यवान एक बात के द्वारा सावित्री को क्या समझाने लगा, इस रागिणी के माध्यम से अपने घर के बारे में क्या बताया उसने।